नमस्कार दोस्तों, शिशुवल में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो बिना किसी देरी के सबसे पहले उस आई बटन को क्लिक कीजिए और इसका पार्ट वन देखिए एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को टैप करना बिल्कुल ना भूलें। ये हमने कुछ कारणों के बारे में बात किया जिसकी वजह से बच्चों की भूख हमें लगता है कि अचानक से कम हो गई है या क्यों बच्चा नहीं खा रहा है। और ये मैं भी उस फेज से गुजरी हूँ तो मुझे पता है बहुत अच्छे से कि कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है ये चीज़ कि बच्चा खा रहा था और सडनली अब कुछ भी नहीं खाना चाह रहा है। तो अक्सर क्या होता है, ये एक फेजेज रहती हैं इस तरह की कि एक चीज़ बच्चा खा रहा था, अभी वो अगले एक महीने तक बच्चा वो खाना ही नहीं चाहता है, फिर शायद वो धीरे धीरे करके अपने आप उससे वो चीज़ पसंद आने लगे। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट एट दिस टाइम। बट अब हम कुछ बातें करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ताकि बच्चों को खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो और हम उनकी भूख बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा खाना खाएँ या उनकी भूख हम कैसे बढ़ाएँ, तो पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है कि वी हैव टू मेक फूड इंटरेस्टिंग। ये मुझे पता है ये बड़ा कॉमन सी चीज़ है मगर ये वर्क करता है। तो मेरी बेटी के साथ मैंने देखा था, अगर मैं उसको सेम दाल चावल या खिचड़ी देती थी तो वो नहीं खाना चाहती थी, स्पेशली जब वो प्री स्कूल में जाने लगते हैं या टॉडलर्स यू नो प्ले ग्रुप में जाने लगते हैं तो वो टिफ़िन लेके जाते हैं और एज इट इज़ वो वापस आ जाता है। पर नॉर्मल खाने को ही आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर सकते, जैसे मैं जो करती थी, जो मैं पराठे बनाती थी उसके लिए आई यूज़ टू यूज़ कुकी कटर्स, तो स्टार का शेप बना दिया या छोटे छोटे से कॉइन्स बना दिए या कोई टेडी बेयर शेप का पराठा बना दिया और जैसे ही आपने वो दिए तो पूरा बड़ा बड़ा पराठा नहीं पर वो ऐसे चार पाँच स्टार्स खा लिए तो बात उतना ही हो गया। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ट्वीकिंग कर सकते हैं, ज़्यादा समय भी इसमें वेस्ट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने से आप देखेंगे कि बच्चों का इंटरेस्ट खाने में ज़्यादा आ जाता है। ऐसे ही आप कर सकते हैं, जैसे कलरफुल कुछ खाने में बना दें, आप आटे में अगर हम ग्रीन पराठे बना रहे हैं या पिंक रोटी बना रहे हैं या चावल जो आपने राइस बनाए हैं उसके अंदर बीट रूट थोड़ा सा डाल के कुछ कलरफुल कुछ कर दिया तो ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। उसके अलावा आप अगर आप जब सर्विंग कर रहे हैं तो उसमें आपने कोई कार्टून बना दिया, पैनकेक्स को आपने मिकी माउस के शेप का बना दिया, समथिंग लाइक दैट। दीज आर जस्ट सम आइडियाज़, पर यू नो यू कैन यूज़ योर इमेजिनेशन। आप किसी भी तरह से बच्चे के लिए खाने को इंटरेस्टिंग बनाएं, उसे लगे कि कुछ नया है, उसे लगे कि मज़ा आएगा खा के, तो ज़रूर उसे अच्छा लगेगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो ज़रूर वर्क करती है टॉडलर्स के साथ, क्योंकि वो हमेशा ऑन द रन रहते हैं, हमेशा भागते दौड़ते रहते हैं, तो फिंगर फूड्स ज़रूर उन्हें काम आते हैं। मतलब ऐसे फूड्स जिन्हें वो खुद अपने हाथ से उठा के अपने मुंह में डाल सके और वो बाइट साइज़ होने चाहिए। तो अगर आप सोचेंगे कि आप एक बड़ी सी अच्छे से उन्हें बिठा दें और वो चपाती पराठा या राइस खूब सारा लेके खाएंगे चम्मच से, तो मोस्टली उनमें इतना पेशेंस नहीं होता है, वो खा भी लेंगे तो उनको तुरंत लगेगा कि कुछ और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, भाग जाएंगे। पर वहीं अगर आपने उनको बोल में कुछ फ्रूट्स काट के दे दिए या चपाती के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें रख दिए जिसमें आपने उनकी पसंद का कुछ स्प्रेड लगा दिया या कुछ, तो आप देखेंगे कि वो भागते दौड़ते फिर भी खा लेंगे, या आप एक जगह पे बैठ के भी, अगर वो हाई चेयर पे बैठे हुए हैं तो उसमें भी बैठ के उनको जो लगेगा कि वो कंट्रोल में है तो वो खुद से उठा के उन्हें खा सकते हैं। और इसलिए मैंने देखा है कि हमेशा छोटे साइज़ बाइट साइज़ चीज़ें आप बनाइए बच्चों के लिए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तीसरी चीज़ जो अगेन मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल सकती हूँ वो है इन्वॉल्व द चिल्ड्रन इन द कुकिंग प्रोसेस। बच्चों को किचन में लेके आइए, बच्चों को जब आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं उनको साथ में लेके जाइए, उनको पता होना चाहिए कि ये आखिर खाना जो आ रहा है ये है क्या, क्या वेजिटेबल्स होती हैं, उनके क्या नाम हैं, फ्रूट्स कौन से होते हैं, राइस क्या कैसा दिखता है, दाल कैसी दिखती है जब आप खरीद के लाते हैं। ये सिर्फ उन्हें स्कूल में नहीं पढ़ना, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए। और जब आप ये करते हैं तो उन्हें दे फील अ रिलेशन टू इट,
स्पेशली छोटे बच्चों को बेकिंग बहुत पसंद होती है, तो मैंने देखा है मेरी बेटी को हम किचन में जब भी बेकिंग करते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़, उसको रोटियां बेलने में बड़ा इंटरेस्ट होता था. तो शी वॉज़ लाइक बेली 1.5-2 years old, मगर वो स्टूल लगा के खड़ी हो जाती थी एंड शी वॉन्टेड टू रोल अ चपाती. तो वो जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा जो भी बनता था, मैं उसको ज़रूर एक सेक के पराठा रख देती थी एंड शी वुड वेरी हैप्पीली ईट. तो दैट इज़ ऑल्सो वन वे बाई इन्वॉल्विंग चिल्ड्रेन इन कुकिंग प्रोसेस. और एक चीज़ जो मैं बोलूँगी जो हमें करना चाहिए, और अब तो गर्मियाँ आ रही हैं तो और भी अच्छा है, वो है बच्चे की डाइट में दही को ज़रूर इंक्लूड कीजिए. मोस्टली होम मेड कर्ड जो हम बनाते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ नेचुरल प्रोबायोटिक. प्रोबायोटिक का मतलब है अच्छे बैक्टीरियाज जो हमारे गट को, हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी रखते हैं, हमारे डाइजेशन को अच्छा रखते हैं. तो अगर डाइजेशन अच्छा होगा तो बच्चे को भूख ज़्यादा लगेगी. कई लोग बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं जो हम रेगुलरली लोग प्रोबायोटिक ड्रिंक्स पीते हैं, बट आई फील कि वो ऑफकोर्स बहुत सारे लोग पीते हैं, बट अगर आप नेचुरली वही चीज़ ले सकते हैं तो दैट इज़ ऑलवेज बेटर. तो इसलिए बच्चे की डाइट में किसी न किसी फॉर्म में आप कर्ड राइस दे सकते हैं, रायता बना सकते हैं, बटर मिल्क बना सकते हैं, और ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए भी आप किसी भी फॉर्म में दही उनको दीजिए. इसके अलावा हमारे इंडियन स्पाइसेस जो हैं बहुत सारे, वो बहुत अच्छे हैं डाइजेशन के लिए, भूख बढ़ाने के लिए. तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम किसी न किसी फॉर्म में उनको यूज़ करें. जैसे आप अजवाइन होती है, बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए. तो आप बच्चे के पराठा जब बना रहे हैं, कोई चपाती बना रहे हैं, तो आटे के साथ में थोड़ी सी अजवाइन उसमें डाल सकते हैं. बहुत स्वादिष्ट भी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छी होती है. ज़ीरा तो नॉर्मली हमारे हर ग्रेवी में, सब चीज़ों में यूज़ ही होता है. ज़ीरा भी बहुत अच्छी चीज़ है. ब्लैक पेपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और भूख लगने में भी मदद करता है. अलावा सौंफ या जो फेनल सीड्स होते हैं वो भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं. आपको पता है हम हर जगह जब भी आप खाना खा के उठते हैं हमेशा सौंफ आपको दी जाती है. उसका रीज़न यही होता है क्योंकि सौंफ के जो जूसेस होते हैं वो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं. तो बच्चे के खाने में भी अगर आप सौंफ को इंक्लूड करेंगे, अगर ऐसे नहीं बच्चे ले सकते सौंफ, तो हम सौंफ का पानी बना के दे सकते हैं. जैसे सौंफ को आपने रख लिया रात भर पानी में, सुबह उसको उबाल दिया अच्छे से, फिर उसके बाद छान के उस पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को दे दीजिए, उससे भी डाइजेशन में बहुत मदद मिलती है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के डाइजेशन को भी अच्छा करेंगी और इनसे भूख भी अच्छी बढ़ती है. फाइनली अगर आपको इन सब चीज़ों को करने के बावजूद अगर आपको लगता है कि बच्चा कुछ नहीं खा रहा है या बच्चा बहुत कम खा रहा है और ऐसा हो रहा है कि वो अपने नॉर्मल माइलस्टोन्स मीट नहीं कर पा रहा है या उसका वेट लॉस हो रहा है. एक होता है कि स्टेबल वेट है या बहुत कम बढ़ रहा है, बच्चा बहुत लीन लगता है, दैट इज़ ओके. और मैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मेरी अपनी बेटी है, शी इज़ अ वो अभी 7 साल की हो गई है, शी इज़ अ वेरी लीन चाइल्ड, बट आई एम नॉट वरीड क्योंकि वो बाकी सब चीज़ों के हिसाब से वो अपना माइलस्टोन्स हिट कर रही है, देर इज़ नो अदर प्रॉब्लम. तो मुझे वरी नहीं है. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का वेट लॉस हो रहा है, अगर आपको लगता है कि वो अपने जो एज के हिसाब से जो माइलस्टोन्स है उन्हें प्रॉपरली नहीं कर रहे, अगर वो ज़रूर से ज़्यादा वीक है, सिर्फ वेट नहीं माइलस्टोन्स के हिसाब से, तो ज़रूर ज़रूर डॉक्टर से मिलिए और उनको पूरा चेकअप करवाइए. क्योंकि हो सकता है कोई अंडरलाइंग अलग ऐसी प्रॉब्लम हो जो हमें नहीं पता है, जो डॉक्टर्स चेकअप के बाद ही बता सकते हैं. तो फाइनली मैं बस यही कहूँगी कि ये थोड़ी सी चीज़ों का आप ध्यान रखिए और बिल्कुल फिकर मत कीजिए. मोस्ट ऑफ़ द चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बी हेल्दी. वो इतने एक्टिव होते हैं कि वो जो भी खाते हैं फटाफट उसको हज़म भी कर लेते हैं. तो इसलिए एक और चीज़ होती है कि इस एज के बच्चे को खूब खेलने को दीजिए. वो जितना दौड़ेंगे भागेंगे थकेंगे उतना खाएंगे भी और उतना आराम भी करेंगे और दे विल ग्रो बेटर. सो आई होप दिस वीडियो आंसर्ड अ लॉट ऑफ योर क्वेरीज एंड इफ़ यू स्टिल हैव सम क्वेरीज, अगर आपके पास कुछ और भी सवाल है तो ज़रूर कॉमेंट करके हमें बताइए. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो गिव इट अ थम्स अप और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए
और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि ये वीडियो आपको तुरंत तुरंत मिल जाए. एंड थैंक यू सो मच सब लोगों को जो कमेंट करके मुझे बहुत बहुत इंकरेज करते हैं. दे ऑलवेज टेल मी कि ये बहुत अच्छा लगा या आपने ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी. तो वो छोटा सा जो इंकरेजमेंट होता है आपका, दैट रियली मेक्स माई डे. और यू नो इट मोटिवेट्स मी टू कम अप विद बेटर आइडियाज़ एंड यू नो आई ट्राई टू मेक बेटर वीडियोज़. Thank you so much and I'll see you again very, very soon. Bye-bye.